बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए क्या खुशी की खबर है। बाहुबली की टीम लंदन क्यों गई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे अगर अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। इतिहास की कोख में जब पहले आदम की पहली सांस ने जन्म लिया था, उससे पहले ही एक चीज जन्म ले चुकी थी। वो चीज थी इच्छा, पहली सांस लेने की इच्छा। यूं करके आदमी की इच्छा खुद आदमी से भी बुजुर्ग है। बस यही दर्शन शास्त्र इस फिल्म के चाहने वालों की इच्छा के पीछे काम करता है। बाहुबली 1 आने के बाद पूरा देश एक ही सवाल के पीछे पागल था, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। इसलिए बाहुबली 2 भी आ गई। इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन अब तक लोगों को बाहुबली के प्रभास को देखने की आदत हो चुकी थी, अब उन्हें बाहुबली का 3रा पार्ट भी चाहिए। फैंस की समस्या यही है कि उनके पसंदीदा हीरो को और अधिक देखने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना जितनी कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट। मतलब जिस दिन फिल्म का 2रा पार्ट रिलीज हुआ, उसी दिन से फिल्म के 3रे पार्ट का इंतजार भी शुरू हो गया था। बस उन्ही के इंतजार करने वालों के लिए एक खबर है। पत्रकार राजीव मसंत के साथ एक इंटरव्यू में प्रभास ने बाहुबली को लेकर कुछ ऐसा कहा कि बाहुबली 3 फिल्म आने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। बाहुबली 3 फिल्म आएगी कि नहीं, इस सवाल पर प्रभास ने कहा, अगर राजा मौली को बाहुबली का 3रा भाग बनाना है तो इसके लिए उन्हें उत्साह दिखाना होगा। उन्हें मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी थी, शायद उनके पास कम से कम 10 से 14 स्क्रिप्ट हैं। बाहुबली 2 तक हम लोगों ने केवल 7% स्क्रिप्ट ही खत्म की है। मुझे मालूम है कि राजा मौली के दिमाग में बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से है, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि बाहुबली 3 कब से शुरू हो पाएगी। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 को देश विदेश में बड़ी सफलता पाई थी। इस फिल्म की वजह से इंडियन और रीजनल सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। फिल्म का निर्देशन SS राजामौली ने किया था। इसमें प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया ने मुख्य रोल अदा किया था। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बाहुबली द बिगनिंग की स्क्रीनिंग 19 अक्टूबर को लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट थिएटर में की जाएगी। अब फिल्म की स्क्रीनिंग को अटेंड करने के लिए बाहुबली की पूरी टीम लंदन पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो वायरल हैं। फोटो में प्रोड्यूसर शोभू, यारला गड्डा, डायरेक्टर SS राजामौली, प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी लंदन की सड़कों पर मस्ती करते नजर आए। इस फोटो को दग्गुबाती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, शानदार लोगों के साथ शानदार शाम। राजामौली ने भी ट्विटर अकाउंट पर इस रीयूनियन की तस्वीर साझा की है। बाहुबली टीम के लिए रखा जाएगा Q&A सेशन। रिपोर्ट्स की माने तो स्क्रीनिंग के दौरान बाहुबली की टीम के लिए एक Q&A सेशन रखा जाएगा। इसके साथ ही कंपोजर MM कीरावानी के बैकग्राउंड स्कोर को रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। बता दें कि बाहुबली एक फिक्शनल ड्रामा फिल्म थी जिसे महेशमती टाउन के बैकग्राउंड पर बनाया गया था। फिल्म की कहानी से लेकर शानदार एक्शन सीन और किरदारों के काम को पसंद किया गया। यही वजह थी कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इसका 2रा पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज किया गया था और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाहुबली का 3रा पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।